हेलो एवरीवन मैं हूँ डॉक्टर प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी फार्मेसी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनोग्लोबेंस के बारे में तो इम्यूनोगलोबुलेंस को हम आई भी कहते हैं आई जीज इम्यूनोग्लोबुल और एंटीबॉडीज भी इसको कहा जाता है तो ये सारी चीज़ें क्या सेम ही है इम्यूनोग्लोबुलिन बोल लो चाहे एंटीबॉडीज़ बोल लो या फिर बोल लो आई जीज दैट इज इम्यूनोग्लोबुलेंस ठीक है तो ये जो इम्यूनोगलोबुलेंस है इनके बारे में आज हम बात करेंगे मतलब जो अगर हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है वही

मेमोरी बी सेल्स बनाती हैं मेमोरी सेल्स ठीक है तो ये प्लाज्मा सेल्स जो हैं यही प्लाज्मा सेल्स से क्या होता है ग्लोबल जो ग्लाइको प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं और ये प्रोड्यूस होने के बाद एज अ इम्यूनोजन रिस्पॉन्स करते हैं सो so, इनको ही हम क्या बोलते हैं आई जीज uh, या फिर एंटीबॉडीज ठीक है तो हम कह सकते हैं एंटीबॉडीज या फिर इम्यूनोग्लोबुलस आर लाइको प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट आर प्रोड्यूस बाय द प्लाज्मा सेल्स इन रिस्पॉन्स टू एन इम्यूनोजन एंड विच फंक्शंस एज एंटीबॉडीज ठीक है मतलब क्या है जैसे ही कोई इम्यूनोजन या फिर एंटीजन बॉडी में आएगा ये क्या करेगा ये प्लाज्मा

बाहर सॉरी डिस्ट्रॉय करके बाहर निकालना ठीक है बाइंडिंग टू अ वेरियस सेल्स इसके अलावा इसका काम है वेरियस सेल्स जो क्या हैं जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं या फिर जो क्या है फैगोसाइटिक एक्शन शो करती हैं उन सेल्स से बाइंड करना जैसे मास सेल है बैसो है आपका फैगोसाइटिक सेल्स हैं इनसे बाइंड करना भी इसका फंक्शन है इसके अलावा ये क्या करती है फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करती है फैगोसाइटोसिस क्या है कोई एंटीजन आया उसको सेल गल्फ किया और सेल डिस्ट्रक्शन कर दिया दैट इज योर फैगोसाइटोसिस ठीक है इसके अलावा ये टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का काम करती है ठीक है तो दीज आर सम स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज अब बात करते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी इज वेरी सिंपल जो स्ट्रक्चर है ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं कहीं पे भी एंटीबॉडी बनाते हैं तो तो हम वाई वाई शेप ही बनाते हैं यू कैन सी दैट दिस इज अ शेप्ड स्ट्रक्चर इसमें दो तरीके की चेन्स होती हैं एक होती है लाइट चेन एक होती है हैवी चेन ठीक है ये जो है ये लाइट चेन्स हैं और अंदर वाली जो चेन्स हैं ये क्या है? Heavy है ठीक है इसके अलावा इसमें दो रीजनस होते हैं एक होता है कॉन्स्टेंट रीजन मतलब क्या है सारी एंटीबॉडी में ये रीजन तो

जो है ये बीच में इनमें क्या होते हैं डाई बॉन्ड्स होते हैं या फिर डाइसल्फाइड ब्रिज होती है जिससे दोनों चेन्स आपस में जुड़ी रहती हैं ठीक है ठीके? जो टॉप पोर्शन है इसका यहां पे क्या होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है मतलब कोई भी एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी से उसके जो टिप है वहां पर जाके बाइंड करता है ठीक है और नीचे हो गए ये किससे अटैच रहती हैं ये बी सेल बी सेल या प्लाज्मा बी सेल से अटैच रहती हैं ठीक है सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी एंड दिस इज अ I shaped structure. नाउ हम्योग्लोबिल क्लासेस की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टेंट रीजन अमाइनो एसिड ठीक है कॉन्स्टेंट रीजन में कुछ अमाइनो एसिड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या होती है ये फाइव टाइप की होती है आई या फिर इम्यूनोग्लोबुलेंस जो हैं वो फाइव टाइप की होती हैं आई जी जी एम ए डी ई इन सब का नाम इसमें हैवी चेन किस तरीके की प्रेजेंट है उस परिपेंड डिपेंड करता है जिसमें गामा हैवी चेन होती है गामा जी से होता है इसलिए जी म्यू हैवी चेन Mu for M that is uh, like uh, mu heavy chain IgM, IgA, A stands for alpha, IgD, D stands for delta heavy chain.

इसका स्ट्रक्चर क्नाती है।, है जो है वो एंटीबॉडी है जो सबसे ज्यादा म्यूकस सलाइवा या फिर कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती है और ये हमारे बॉडी को क्या है प्रोटेक्ट करती है किससे हमारे आ, एक तरीके से एंटीजन से पैथोजन से ठीक है और आपको याद होगा यही चीजें हमने पढ़ी थी फिजिकल इम्यूनिटी के बारे में ठीक है फिजिकल इम्यून रिस्पॉन्स का ये सब पार्ट है तो आईजी जो है वो फिजिकल इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट है आईजी जो होती है ये बी सेल

काउंट में प्रेजेंट होती है अब ये क्या है इसका स्ट्रक्चर भी कैसा है मोनोमर टाइप का है ये डायमर था ये मोनोमर ये भी मोनोमर ठीक है नेक्स्ट आता है आई जी जी आई जी जी दैट इज गामा चेन इसमें प्रेजेंट होती है इसलिए जी है ये प्लाज्मा सेल्स से सिक्रीट होती हैं ब्लड में और ये सेल ये ही एंटीबॉडी ऐसी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है फीटस में और ये आई जी जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने वाली एंटीबॉडी है हमारी बॉडी में ठीक ठीक है, है है, आप देख सकते हो, एक ही single molecule है, तो सिंगल टाइप का वाई है आपका तो इसका मतलब एक ही मोनोमर है अब आईजीएम की बात करें तो आईजीएम मे बी अटैच टू द सर्फेस ऑफ द बी सेल सिक्रीटेड इन टू द ब्लड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज़ स्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली स्टेज ऑफ इम्यूनिटी ठीक है तो ये बेसिकली क्या करती हैं बी सेल्स के रिसेप्टर में जाके अटैच रहती हैं और इनका जो इंपॉर्टेंट चीज है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है ये ओनली एंटीबॉडी है जिसका स्ट्रक्चर क्या है पैंटामर नेचर है इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या है फाइव मॉलिक्यूल्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाए तो ये पेंटामर टाइप की होती हैं और आपकी क्या है ओनली एंटीबॉडी जो पेंटामर है वो आई जी एम है ओनली एंटीबॉल भाई जो डायमर है IgA है बाकी सारी क्या है मोनोमर है ठीक है बहुत अच्छा वन मार्क्स क्वेश्चन इसमें बन सकता है नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड जिसका इमेज सोर्स आई हैव ऑलरेडी गिवन इन द टॉप सो आप वहां से जाके देख सकते हैं अब देखिए अलग-अलग एंटीबॉडी को बताया हुआ है IgM पेंटामर स्ट्रक्चर जैसे हमने बताया था IgG मोनोमर स्ट्रक्चर IgA जो क्या है आपका ये डायमर स्ट्रक्चर है आईजीई मोनोमर आईजीडी मोनोमर ठीक है अब चेन्स के बारे में आपको पता ही हैवी चेन म्यू प्रेजेंट होगी तो एम गामा प्रेजेंट होगी तो जी अल्फा प्रेजेंट होगी तो ए एप्साइलेंट प्रेजेंट होगी तो ई e, और डेल्टा प्रेजेंट होगी तो डी ठीक है नाम से है अब नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स इसमें क्या है टेन है फिर टू है फोर है टू है एंड टू है ठीक है ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉलिकुलर वेट आईजीएम जो है वो सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट वाली एंटीबॉडी है जबकि जो आई है उसका मॉलिकुलर वेट सबसे कम है ठीक है परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट इन सीरम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी एंटीबॉडी है जो सबसे ज्यादा सीरम में प्रेजेंट है सो दैट इज 80% परसेंट ऑफ एंटीबॉडी जो है वो आई जी प्रेजेंट है सीरम में ठीक है और सबसे कम जो प्रेजेंट है वो है आई ठीक है जो आपकी क्या है एलर्जिक रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है अब अगेन इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी एंटीबॉडी है जो प्रेजेंटा को क्रॉस करती है सो ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्रेजेंटाइज आईजी जी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में आई जी एम और आईजी जी दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं बाकी नहीं करते हैं बाइंड Bind की बाइंडिंग की हम बात करें तो आईजी जो है वो फैगोसाइटॉसि फैगोसाइटिक सेल्स से बाइंड करती है और आई जो है वो मास सेल्स एंड से बाइंड करेगी ठीक है नेक्स्ट इज फंक्शंस फंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं तो मेन एंटीबॉडी है आई जो है वो मेन एंटीबॉडी है जो प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में हेल्प करती है और मोनोमर स्ट्रक्चर है जो क्या करता है जो बी सेल रिसेप्टर में एक्सप्रेस होता है आई मेन एंटीबॉडी है जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करेगी न्यूट्रलाइज करेगी टॉक को और करेगी आई जी ए सीक्रीट होती है म्यूकस सलाइवा एंड कोलेस्ट्रम से ई जो है वो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है और एलर्जिक रिएक्शन और एंटीपेरास्टिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आई जी डी जो है वो बी सेल रिसेप्टर्स में बाइंड होती है तो यू कैन सी दैट दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें से बहुत सारे वन मार्क्स क्वेश्चन बन सकते हैं तो आप इस चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म की कैसे कैसे मैकेनिज्म एंटीबॉडीज़ या फिर आई कैसा कैसा मैकेनिज़्म शो करती हैं तो सबसे पहला मैकेनिज्म है वायरल इनहिबिशन तो क्या होता है इसमें जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं वो जो एंटीजन की सरफेस में वायरस की सरफेस में जो यू नो मॉलिक्यूल्स प्रजेंट होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं और सेल को क्या है दूसरी सेल से अटैच नहीं होने देते ठीक है एंटीबॉडीज रिया रिएक्ट विद मॉलिक्यूल्स एट द वायरल सरफेस एंड प्रिवेंट टू द वायरल अटैचमेंट ऑफ द सेल तो ये वायरस है वायरस के सेल में रिसेप्ट जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसमें जाके ही एंटीबॉडी क्या है ये बाइंड हो जा रही है तो इस वायरस को किसी सेल से अटैच नहीं होने दे रही है दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रलाइज करिए क्या न्यूट्रलाइज करिए इसमें क्या एंटीबॉडीज कॉल्ड एंटीटॉक्सेंस एंड दीज एंटीटॉक्सिज देन कम्बाइंड विद द

इससे भी क्या होता है आपका जो सेल से एंटीजन बाइंड नहीं हो पाता देन पता है को क्या करती है इनगल्फ कर लेती है और इसको डिस्ट्रॉय कर देती है ठीक है सो दीज आर द फाइव मेकेनिज्म विच आर देयर इन द आई ठीक है सो थैंक यू सो मच होप यू लाइक द वीडियो अगर पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा थैंक्स फॉर वच